हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ झारखंड में दोस्तों जो AE की असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में। फ्रेंड, क्या योग्यता है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, कब से क्या लास्ट डेट है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप JPSC की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट डेट है 11 नवंबर है, 11 नवंबर 2019 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वैकेंसी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है सिविल ब्रांच में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। सिविल ब्रांच में यदि बात करें 542 वैकेंसी है, मैकेनिकल की 85 वैकेंसी है। अलग अलग विभाग हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि तो फ्रेंड्स इसको कैटेगरी वाइज देखें तो 329 हैं जनरल की, और फ्रेंड्स EWS की हैं 61, और ST की हैं 141, SC की हैं 33, और वहीं फ्रेंड BC फर्स्ट BC सेकंड की 38 और 35 वैकेंसी हैं, ठीक है। फ्रेंड वूमेन की अलग से 30 वैकेंसी हैं, स्पोर्ट कोटा वालों की 13 वैकेंसी। इस प्रकार से दोस्तों इसमें वैकेंसी हैं। और हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें फ्रेंड्स यदि हम बात करें जो है कट ऑफ डेट, आपकी जो जन्म दिनांक है दोस्तों, ये डेट जो दी हैं इनको आपकी काउंट की जाएगी। कुछ वैकेंसी की 2013 में 13, 15 एवं 19, ये 3 डेट हैं, इनको काउंट की जाएगी, ठीक है। और इसमें दोस्तों उम्र आप देख सकते हैं 35 साल तक है जनरल कैटेगरी के लिए, और फिर अलग अलग कैटेगरी को रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको जो है इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ये बहुत सारी योग्यता हैं वही है, मतलब डिग्री आप कहीं से भी, पूरे भारत में से कहीं से भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आरक्षण का लाभ दोस्तों जो है झारखंड के जो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं को मिलेगा, और आपका प्रमाण पत्र 25/2/2019 तक द्वारा, मतलब इस डेट से पहले का जो है जारी किया गया हो, और इनका भी ये इसके बाद, सॉरी इसके बाद जारी रूप से जारी किया गया हो, और ये ठीक है। ये दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न है। प्रारंभिक परीक्षा का यदि हम बात करें, 2 पेपर होंगे, 100-100 क्वेश्चन आएंगे, दो दो घंटे का एक पेपर होगा। पहले में सामान्य अध्ययन आएगा दोस्तों, दूसरे में जो है ऐच्छिक विषय रहेंगे, ठीक है। और ये मुख्य परीक्षा में दोस्तों, मुख्य परीक्षा 2 भागों में होगी। खंड ए में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, खंड दो में परंपरागत प्रश्न होंगे। दोनों भागों में संगत जो है इंजीनियरिंग शाखा ब्रांच जैसे असैनिक यांत्रिक अभियंत्रण का पूरा पाठ्यक्रम होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा का विवरण ये खंड का 2 में ये दिया गया है। ये है दोस्तों मेंस के पेपर, जिसमें सामान्य योग्यता में दो योग्यता परीक्षा के 2 पेपर हैं। ख में क ग्रुप में सामान्य अंग्रेजी, सेकंड में सामान्य अध्ययन, 2 घंटे का पेपर होगा। ये 200 अंक का होगा। असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र, असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र 2-2 घंटे का, 200 मार्क्स का होगा। और परंपरागत प्रश्न पत्र, जिसमें असैनिक अभियंत्रण और असैनिक अभियंत्रण, ये 3-3 घंटे के पेपर होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में दोस्तों यांत्रिक अभियंत्रण मैकेनिकल वालों का ये पेपर होगा, ठीक है। ये इसमें वही है दोस्तों, इसमें मतलब ब्रांच चेंज हो जा रही है और सेम है, लेकिन इसमें जो यांत्रिक अभियंत्रण के प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड, ये 3-3 घंटे 200-200 मार्क्स के हैं। इसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा फ्रेंड 200 मार्क्स का। और मैं आपको बता तो, और ये ऑनलाइन फॉर्म भरना है फ्रेंड, ठीक है। आपको ये पर वही है दोस्तों सिलेबस है, आप JPSC की वेबसाइट पर जाके फॉर्म ये भर सकते हैं यदि दोस्तों आप इच्छुक हैं तो। और जो भी फॉर्म है दोस्तों ये ऑनलाइन ही भरा जाएगा, और 10 से शाम 5 बजे तक आप आवेदन जमा करने दिवस में, हाँ, विज्ञापन पढ़ें। ये JPSC की वेबसाइट पे आप ये पढ़ सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर पर आप 10 से 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं यदि आपको आपके हस्ताक्षर को छोड़कर दोस्तों पूरा फॉर्म आप जो है कैपिटल लेटर में ही भरें। ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप देख लें।
तो ठीक है फ्रेंड्स, ये झारखंड में जो है एई की जो वैकेंसी आई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, लगभग 600 650 के आसपास वैकेंसी है। आप ये फॉर्म, ये लिंक मत, फीस परीक्षा शुल्क आप 13 नवंबर तक कर सकते हैं, ठीक है, और ये तक।